नमस्कार। कक्षा 11 की सिलेबस में डे 60 में अपने और चैप्टर संख्या 6 शुरू किया था हमने, जिसमें वैसे तो अभी हमने टॉपिक शुरू नहीं किए हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं जो चैप्टर 4 में भी है, 3 में भी है और आगे सभी जगह काम आएगी। उसमें हमने अदिश गुणा कर लिया था, अब बात कर रहे हैं हम सदिश गुणा की। सदिश गुणा की कैसी राशियों का, सदिश राशियों का ही कर रहे हैं हम। अदिश राशियों का तो नॉर्मल कल भी हमने बात की थी, वही होता है संख्याओं का गुणा करना, वही अदिश गुणा ही होता है। 2 का 3 से गुणा कर दिया वो अदिश ही होता है। हम यहाँ सदिश इसलिए पढ़ते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, इसमें जिस दिशा में पार्टिकल मूव कर रहे हैं उस दिशा का भी गुणा किया जाता है, उस दिशा को भी साथ में लिया जाता है। और दिशा को व्यक्त करने के लिए इकाई सदिशों का प्रयोग हम करते हैं, जिसे आई कैप, जे कैप और के कैप कहते हैं। एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग होते हैं वो, आई कैप डायरेक्शन होती है और वाई अक्ष के अनुसार जो इकाई सदिश यूज़ करते हैं वो जे कैप, और जेड अक्ष के अनुसार जो यूज़ करते हैं वो इकाई सदिश के कैप। इकाई सदिश क्या होता है, जो इसकी खुद का परिमाण तो इकाई होता है, सिंगल होता है, तो मल्टीप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या बताता है वो, डायरेक्शन को बताते हैं, डायरेक्शन को, उस पर कैप लगा के हम उसको व्यक्त करते हैं, जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। अब अदिश गुणा हमने कल की क्लास में किया था कि उसको ए डॉट बी से लिखते हैं, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको ए क्रॉस बी से लिखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो किस प्रकार से होती है, दो हम मान लेते हैं कि माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तो इनका सदिश गुणा क्या होगा, ए क्रॉस बी। सदिश गुणा होता क्या है, अगर डिफाइन करना हो तो दो सदिश राशियों का ऐसा गुणा जिसमें उनका जो रिजल्ट है, उनका जो उत्तर है, वो भी सदिश राशि के रूप में प्राप्त हो, यानी वो वहाँ जो आंसर आ रहा है उसमें भी डायरेक्शन होगी। हमने अदिश में क्या देखा था, ए डॉट बी करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो संख्यात्मक मान आता है, तो उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होते हैं, हट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक परिमाणिक मान आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो, मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो। यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी, यानी परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा भी होगी, यानी यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो भी रहेंगे, तभी तो दिशा रहेगी। यानी आई कैप में आ रहा है इसका मतलब एक्स का अक्ष के अनुसार मान है, वहाँ यहाँ केवल परिमाण नहीं आएगा, केवल परिमाण आएगा तो वो तो एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, वो अदिश गुणा होगा। तो सदिश गुणा में रिजल्ट कैसे आते हैं, सदिश आते हैं। सदिश में कैसे पता चलता है, उनमें आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं साथ में, अगर कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक 0 है। ठीक है, इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम आगे के चैप्टर में, इस चैप्टर में भी काफ़ी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी रिगिड बॉडी पढ़ेंगे हम, दृढ़ पिंड गति की, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे सदिश राशियों का। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन केप, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसमें दिशा आएगी। यहाँ दिशा को क्या, किसे शो कर दिया, एन केप। एन केप क्या है, इकाई सदिश है। ठीक है, इकाई सदिश है। एक परिमाण इनकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं 659 में, तो वही बात है, यहाँ ए का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, बी बी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, थीटा अपने को दे दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो आ गया सिंपल, इसकी डेफिनेशन कह दें या इसकी इक्वेशन कह दें। यहाँ से अगर आपको कह दें कि एन केप ज्ञात करना है, आपको दे दिया जाए इकाई सदिश ज्ञात करो, ए सदिश और बी सदिश के मान पूछ दे दिए जाएँ और पूछ लिया जाए कि इकाई सदिश ज्ञात करो, तो हमें इकाई सदिश का मतलब क्या ज्ञात करना, वहाँ एन केप, इन दोनों के इकाई सदिश का मान ज्ञात करना है कि इनका जब सदिश गुणा होगा तो परिणामी जो सदिश आएगा उसका दिशा किस प्रकार से होगी, वो इकाई सदिश है परिणामी के लिए। तो एन केप निकालना है तो ये सारी वैल्यू गुणा में है, इधर आगे किस में चली जाएगी, भाग में, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। अब देखो ए और बी के मान तो हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, दिए जाएंगे, परिमाण निकाल लेंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, आई केप का गुणांक एक्स, जे केप का गुणांक वाई, के केप का गुणांक जेड, और थीटा की वैल्यू अगर हमें दे दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये मान निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है वो हम सीख लेंगे अभी, तो सारे मान हम ज्ञात
कर सकते हैं, रख के इसके अंदर रख देंगे। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होगा, ए क्रॉस बी अलग से निकालना पड़ेगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, उन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो और गुणा भाग कर दो, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अगर इकाई सदिश का आ जाए तो इस तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे की बातें उसी तरह से हैं, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, फिर दूसरी बात फिर हम करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। ठीक है, फिर जब न्यूमेरिकल हमें करने आ जाएंगे तो हम इनको अप्लाई भी कर देंगे, अलग टॉपिक्स जो आगे के पढ़ेंगे उनमें कैसे अप्लाई करना है वो भी आ जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी है वैसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर लेंगे, आर क्रॉस एफ यूज़ कर लेंगे, आगे बात करेंगे, अभी नहीं पता चलेगा। टो बल आघूर्ण होता है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें आर और एफ बल का और विस्थापन का सदिश गुणा होता है, तो वहाँ ए की जगह आर आ जाएगा, बी की जगह एफ आ जाएगा, उसी फॉर्म में दे दिया जाएगा कि इतना बल लगाने पर इतना विस्थापन, उतना बल आघूर्ण ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन जो बना दिया जाएगा। तो पहले अपने क्वेश्चन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम करने सीख जाएंगे तो फिर हम इसका इंप्लीमेंट करना भी सीख जाएंगे, अप्लाई भी कर देंगे हम किसी भी टॉपिक के अंदर इसको, जहाँ इसकी ज़रूरत रहेगी सदिश गुणा की उसको। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो अपने लेते हैं, वहाँ हमने क्या लिया था, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के, यहाँ क्या होगा, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के ज़ीरो। एक बात इसलिए अलग है ना, ये वहाँ क्या था, आई डॉट जे, जे डॉट आई, वो सब अलग अलग वैल्यू तो सारी क्या हुई थी, जीरो हुई थी, सेम वैल्यू बची थी तो उनका मान वन वन हो गया, तो एक एक वैल्यू सेम सेम से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है, सेम वैल्यू तो मल्टीप्लाई जीरो हो गई तो बाकी नौ वैल्यू और नौ वैल्यू होंगी टोटल, जिसमें से छः वैल्यू और बचेंगे। ठीक है, भाई आई का जे से करेंगे, जे का आई से करेंगे, हो गया ना, दो वो हो गई, के का जे से करेंगे, जे का के से करेंगे, आई का के से करेंगे, के का आई से करेंगे, तो छः वो हो गई और तीन ये हो, नौ गई ना, नौ में से उसमें तो क्या हुआ था, छः जीरो हुई थी, तीन बची थी, इसमें क्या हो रहा है, तीन जीरो हो रही है, छः बचेंगे, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका एक मेथड है उसको हम सीख लेंगे। अब देखो इसके लिए हमें क्या याद करना है, आई क्रॉस जे, अभी यहाँ क्रम का ध्यान रखना है, इसीलिए कल की क्लास में भी मैंने ये कहा था कि आप क्रम के अनुसार ही चलें, जैसा लिखा आप अपनी तरफ से मत बदलो, अदिश में भी मत बदलो, अदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो लेकिन फिर भी आप ए डॉट बी लिखा तो आप ए डॉट बी ही लिखो, ए को पहले बी को बाद में, क्योंकि यहाँ ये अगर आई क्रॉस जे लिख रहे हो और उसकी जगह जे क्रॉस आई लिख रहे हो तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा, सेम रिजल्ट नहीं होंगे। आई क्रॉस जे, दूसरा यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, जे क्रॉस आई, इनके मान हमें लिखने हैं अभी, फिर क्या जे के बाद क्या आता है, के, जे क्रॉस के, और उल्टा करें तो के क्रॉस जे, तीसरी बात फिर के बाद आता है आई, यानी तीन ही लेने अपने को, आई जे के उन्हीं को, आई और आई के बाद आता है, उल्टा कर दे इसको के। अब देखो अब इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, या तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आई क्रॉस जे, आई के बाद में जे आता है, आई के बाद में आता है जे, तो हम क्या चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उत्तर तो अगला ही आएगा, आई के बाद में जे और जे के बाद में के, तो आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा, के कैप आएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगर हम उल्टा कर रहे हैं, जे क्रॉस आई, हमें पता है कि जे क्रॉस आई लिखा है तो होता क्या है, आई के बाद में जे आता है, हमने क्या लिख रखा है, जे को पहले लिख रखा है तो हमने उल्टा लिख रखा है, इसलिए उत्तर तो क्या आएगा, तीन ही वैल्यू आई जे के, तो जिनका गुणा हो रहा है उसके अलावा जो तीसरी वैल्यू बच रही है वही उत्तर आएगा। अगर आपने सही डायरेक्शन में लिखा है तो प्लस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है तो, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसका दूसरा तरीका, आप क्या करो, एक सर्कल बना लें इसको, वैसे ये बाद में ज़रूरत इनकी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार समझने के लिए आप इसका सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक वृत्त बना लिया, यहाँ लिख लिया आई कैप, यहाँ लिख लिया जे कैप और यहाँ लिख लिया। अब आप इसमें ये देख लो कि आई का गुणा किससे कर रहे हैं, तीर का निशान हमने लगा रखा ना, इसी निशान की तरफ हम जा रहे हैं, तो उत्तर आएगा आगे वाला क्या आएगा, के कैप आ गया,
सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं सीधा उत्तर, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं उल्टा उत्तर। अब अगर हम यूं जा रहे हैं जे क्रॉस आई, ऐसे जा रहे हैं ना जे क्रॉस आई, तो देखो तीर का निशान तो इधर चल रहा है ना, तो हम उल्टा आ रहे हैं, पहुंचेंगे फिर भी हम क्या आई के बाद में क्या है के है ना, तो उत्तर तो वही आएगा के, लेकिन उल्टा है इसलिए किस में आएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो, ये बात हमें ध्यान रखना है इसमें। फिर दूसरी बात आती है जे क्रॉस के देखें, तो जे को के से गुणा किया, ठीक है सीधा जा रहे हैं ये देखो तीर के निशान में, दोनों एक ही दिशा में, तो इसके आगे वाला उत्तर आ जाए क्या। वैसे भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो नहीं है वो उत्तर है, जो इसके अंदर नहीं है, जे के है तो उत्तर क्या है आई है, आई नहीं है ना तीनों में से, तो आई आंसर है इसका, लेकिन प्लस माइनस के लिए आपको थोड़ा इसका सिक्वेंस ध्यान रखना है, ठीक है। अब के क्रॉस जे लेंगे तो उल्टा जाएंगे, आगे कौन मिलेगा आई, तो उत्तर आएगा आई, लेकिन किसमें। इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो आगे कौन मिलेगा जे, तो जे सेम डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, आई क्रॉस के करेंगे तो भी आगे जे, इधर से जाएंगे तो भी जे मिलेगा, इधर से जाएंगे तो, इधर से विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है। अगर पूछें डायरेक्ट ऐसे भी पूछ ले भी आई क्रॉस जे का मान लिखो, जे क्रॉस आई का मान लिखो, तो भी हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा इसका मान, क्लियर। नेक्स्ट आगे चले, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, बट हेयर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टीज है भी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू लेस देन, इस तरह दे दिया जाए, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तीसरी बात इसके अंदर इसको ये लिख सकते हैं कि अगर इस ये इसको बराबर करें तो कैसे बराबर होगा ये, क्योंकि इसका उत्तर किस में आ रहा है देखो, माइनस में आ रहा है ना, अगर इसको माइनस से गुणा कर दे तो ये प्लस हो जाएगा ना वापस, इसलिए ये बराबर है माइनस से गुणा कर दें अगर इसको बी क्रॉस ए को, यानी अगर विपरीत मान निकाल रहे हो तो उसको अगर माइनस से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो हमें इस प्रॉपर्टी से ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर जो है, जब हम अपोजिट चलेंगे, ए क्रॉस बी के निकाल लिया आपने उसका आंसर निकाल लिया और अब निकाल रहे हो बी क्रॉस ए, तो उसका आंसर भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी का उत्तर आया है उनके निशान बदल दो, ठीक है। जैसे ये आया है कि दो आई कैप प्लस तीन जे कैप माइनस के कैप, तो दूसरा उत्तर क्या आएगा, माइनस दो आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस, ठीक है, माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, सारे निशान बदल जाते हैं, प्लस है वो माइनस हो जाता है और माइनस है वो, ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये तो हो गई ये बात। अब देखो एक बात उसमें हमने करी थी कि a डॉट b का मान जीरो होता है, कब होता है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्यों लिखा था हमने, क्योंकि वहाँ रहा था cos थीटा, और cos 90 का मान जीरो होता है और 90 डिग्री का मतलब लंबवत होता है, इसलिए क्या लिया था हमने लंबवत। यहाँ क्या आ रहा है sin थीटा, यहाँ जीरो कब आएगा, यहाँ जीरो कब आएगा, जीरो डिग्री पर, क्योंकि sin जीरो का मान क्या होता है जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, ठीक है, कोस नब्बे का मान जीरो और साइन जीरो का उल्टा होता है ना, साइन के मान बढ़ते हैं उल्टा विपरीत शुरू हो जाते हैं किससे, कोस के मान, तो जो साइन जीरो का होता है वो कोस नब्बे का होता है, तो साइन जीरो का मान जीरो, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। जीरो डिग्री कोण कब बनता है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं, समांतर होते हैं, तो थीटा का मान कितना होता है जीरो डिग्री। तो तीसरी चौथी बात क्या होगी, यदि सदिश ए वे बी क्या हो, समांतर हो, समांतर हो, तो उसी स्थिति में क्या होगा, एक मिनट पाँच मिनट रुको सर, ए व बी समांतर हो तो क्या होगा उसी स्थिति, पाँच मिनट रुको, पाँच मिनट बाद ले लेना यार, हाँ। ए सदिश व बी सदिश समांतर हो तो उसी स्थिति में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा का मान जीरो डिग्री होगा, ठीक है, जीरो डिग्री होगा तो साइन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा
तो इसी स्थिति में ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो कब होगा? जब ए व बी दोनों समांतर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अदिश सदिश गुणा कब जीरो होगा? जब दोनों सदिश समांतर है तो हल करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन करने के लिए देखो दो तरीके हैं, कि बीच में क्रॉस लगा दें और फिर निकाल लें इसका मान, जैसे वो कल किया था, तो उसमें सारे अलग अलग गुणा करने पड़ेंगे। दूसरा होता है एक सारणिक मेथड, उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास ए वैक्टर इज इक्वल टू दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस तीन के कैप, बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस तीन आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप। अब एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, दोनों को पहले का अगले तीनों ब्रैकेट के तीनों वैल्यू से गुणा करें, दूसरे का तीनों से करें, तीसरे का तीनों से करें, और फिर क्रम का भी ध्यान रखें कौन सा सीधा है, उल्टा नहीं लिखा जाए कहीं वो भी। दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरा यूज़ करेंगे, पहले की कोई आवश्यकता नहीं है, गलतियाँ भी ज़्यादा होती है, उसको यूज़ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ए क्रॉस बी यूज़ करेंगे, ऐसे लिखना आपको ए क्रॉस बी, दो लाइनें लगा देनी है, सारणी कहते हैं इसको गणित में। यहाँ लिखना क्या, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप, क्लियर। अब ए लिखा ना पहले, ए लिखा है तो ए में आई जे के गुणांक इनके नीचे लिखने हैं। ए में आई का गुणांक क्या है, ठीक है, जे का क्या है, के का। अगर बी पहले लिखा होता तो बी वाले का पहले क्रम ध्यान रखना है, जो पहले लिखा उसका पहले लिखना है, जो बाद में लिखा उसका बाद में लिखना है। तो बाद में लिखा बी, तो बी का लिखेंगे माइनस तीन दो एक, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो हमें एक तो वो किसको पहले रखना है किसको बाद में, वो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। यहाँ लिखना आई कैप, ठीक है, फिर लिखना माइनस जे कैप, फिर लिखना प्लस के कैप, यानी पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव। विमान आएंगे तो सदिश में क्या आएंगे, आई जे के है तो आई जे के में ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। कोई मान नहीं आने वाला होगा तो ब्रैकेट में जीरो आ जाएगा, जीरो से गुणा होकर जीरो। अब आपको करना क्या है, आई का मान निकालना, आई कैप का, तो इसे तो कहते हैं पंक्ति, नीचे की तरफ लाइन, सॉरी इस तरफ, और ये नीचे की तरफ इसको कहते हैं स्तंभ, इसको तो कहते हैं पंक्ति, और ऊपर की तरफ से इसको कहते हैं स्तंभ, रो एंड कॉलम, ठीक है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। तो आपको ये ध्यान रखना है, आई का मान निकाल रहे हैं तो आई के नीचे वाली पंक्ति को और ये स्तंभ को और पंक्ति को इनको छिपा लें, हम इनको छिपा लें, छोड़ दें इनको। तो कितने अंक दिखेंगे आपको, चार अंक दिखेंगे। इन चार अंकों में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करना है, ये बात ध्यान रखना है। पहले इधर से करेंगे, फिर माइनस, फिर इधर से कर देंगे गुणा, सिंपल है बिल्कुल। एक का एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, बीच में क्या लगाना है, तीन का दो से गुणा करेंगे, क्लियर, बस हो गया। ऐसे ही जे का करना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना माइनस, वैसे तो प्लस होता है, प्लस इसमें फॉर्मूला जो इसका तरीका है उसमें तो प्लस है ये, लेकिन उसमें क्या होता है उल्टा किया जाता है मल्टीप्लाई इसका, तो हम सबका मल्टीप्लाई एक तरीके से कर लें, इसका माइनस पहले बाहर निकाल लें। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पहली वैल्यू पॉजिटिव, जे नेगेटिव और के पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको जे को सॉल्व करना है, तो जे की, ये जे के नीचे की लाइन इसको छिपा लें और ये पंक्ति को छिपा लें, कितने अंक दिखेंगे, इधर से गुणा इधर से करना है, दो का एक से गुणा किया कितना, माइनस आएगा बीच में, फिर तीन का माइनस तीन से गुणा करेंगे माइनस नौ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दो का एक से गुणा करेंगे कितना आया बीच में माइनस, ये कितना आएगा माइनस नौ, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है, गलती हो जाती है। फिर तीसरा के, इसको ये इसको छिपा लें, इसको छिपा लें, कितने अंक दिखेंगे, अब भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दो का दो से किया चार, माइनस तीन का माइनस तीन एक से, माइनस तीन का एक से किया तो माइनस तीन, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्लियर। अब आप इसको सोल्व कर लें तो क्या आएगा, माइनस का पाँच आई कैप, नौ और दो ग्यारह, माइनस है तो माइनस ग्यारह जे कैप, चार और तीन सात, सात के कैप,
क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अब इसी को हम चेक करने के लिए देख सकते हैं, आप इसको खुद ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट बात क्या ज्ञात करनी है आपको, आपको ज्ञात करना है बी क्रॉस ए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उत्तर सही है गलत है वो भी चेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है कि भाई पता ही है ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट चिपका दो, ऐसे नहीं करना। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ऐसे ही लिखना है पहले, लेकिन पहले आपको ये मान ऊपर रखना है नीचे रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वैसे ही सोल्व करना है इसको, सिंबल इसके अलग आएंगे। ठीक है, गलतियाँ माइनस प्लस की ज़्यादा होती है इसमें, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीका ईजी है, ठीक है, सबसे ईजी यही तरीका है, तो हमें यही तरीका यूज़ करना है, इसमें गलती नहीं होती है। दूसरी बात अब इसके अंदर कि अगर कोण दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी इसमें। अगर हमें, यदि हमें क्या दे रखा हो, यदि कोण दे रखा हो, तो यदि ये दे दिया कि ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी सदिश बराबर दे दिया दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस तीन के कैप, ऐसे दे दिया, और आगे ये लिख दिया एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर हैं, तो इकाई सदिश का मान ज्ञात करो। इकाई सदिश पूछ लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इकाई सदिश होता क्या है, हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का परिमाण, ऊपर लिखा हुआ है वैसे बी का परिमाण, साइन थीटा एन केप। हमें निकालना है इकाई सदिश यानी एन केप, तो ये वैल्यू भाग में आ जाएगी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। इस समीकरण एक में आपको सारे मान रखने हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी ऐसे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, ए का परिमाण अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकाल लेंगे, बी का परिमाण साइन 30 का मान 1/2 होता है वो सारा यहाँ रख देंगे। तो सोल्व कर लेते हैं अपने थोड़ा सा इसको, बाकी कर सकते हैं आप, हमने ऊपर किया है वैसे ही सोल्व करना है। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो वही आई कैप जे कैप के कैप, पहले ए का मान रखना है एक एक एक, बी का मान रखना है दो एक तीन, दो एक तीन। अब इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्या आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखो आई कैप के लिए लेंगे तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्या आएगा तीन गुणा एक तीन माइनस एक गुणा एक एक, तो तीन माइनस एक। जे कैप को लेंगे तो इसको इसको छोड़ दें, ये बचेंगे तीन गुणा एक तीन माइनस दो, इसको लेंगे तो ये छोड़ दें, क्या आएगा एक गुणा एक एक माइनस दो, तो ये आ जाएगा एक माइनस दो, क्या आ गया तीन में से गए दो आई कैप और एक बचा ये माइनस जे कैप, वहाँ माइनस एक बचा माइनस के कैप, ये तो किसका मान आ गया ए क्रॉस बी का एक मान, तो ये आ गया। अब हमें ए का परिमाण निकालना है, तो ए का परिमाण कैसे निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, एक्स का मान क्या है या एक 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 है, तो क्या आ जाएगा एक का स्क्वेयर प्लस एक का स्क्वेयर प्लस एक का स्क्वेयर, तो क्या आ गया अंडर रूट तीन, ठीक है। बी का परिमाण निकालना है हमें इसी तरह से, क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, दो एक तीन है तो दो का स्क्वेयर प्लस एक का स्क्वेयर प्लस तीन का स्क्वेयर, क्या आ गया चार प्लस एक प्लस नौ, कितना हो गया अंडर रूट चौदह। अब ये आ गया, अब लास्ट एक बात हो रहेगी साइन थीटा का मान, थीटा का मान 30 डिग्री है, इसलिए साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब सारे मान रख दो किसके अंदर, समीकरण एक में बस। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है इकाई सदिश का, तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सारी अलग अलग करनी पड़ेगी, फिर एक जगह रख दो, यहाँ रख दें, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या रहा है एक बटा अंडर रूट तीन अंडर रूट चौदह गुणा 1/2, और यहाँ क्या रहा ऊपर ए क्रॉस बी का मान क्या लिखना है टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के, ठीक है।
इसको दो को ऊपर ले जाओ, बाकी सिंपल कैलकुलेशन, अगर मल्टीप्लाई हो सकता है कुछ वैल्यू कट रही हो, जैसे कट जाएगा ये 7 गुणा अंडर रूट 2 लिख देंगे तो ये अंडर रूट 2 से कट जाएगा। तो कुछ सिंपली पेपर में दिए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, सिंपल से रिजल्ट आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो आप एज इट इज इनको छोड़ सकते हैं ऐसे रिजल्ट अंडर रूट की फॉर्म में, या अंडर रूट के रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि अंडर रूट को 1.732 लिखें, अंडर रूट 2 को लिखें, अंडर रूट 7 का मान निकालें फिर गुणा भाग, ऐसा कुछ नहीं करना है। अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट में रहने दो। अब ये वैल्यू देखो लास्ट में क्या आ गया, 2ik-jk-kk आ रहा ना, आई जे के, इसका मतलब कैसा मान है, ये सदिश मान है, ठीक है, इसीलिए इसको सदिश गुणा कहते हैं कि जब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सदिश फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये लिख लें हम, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।